तो यहाँ पे ये एमसीक्यू देख लें कि विच ड्रग इज़ प्रेफर्ड फॉर अ प्री ऑपरेटिव एनेस्थेटिक इन अ पेशेंट विद लिवर डिकम्पेंसेशन, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन दूसरी जगह में है, यही क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ड्रग विच कैन बी गिवन प्री ऑपरेटिवली इन अ पेशेंट ऑफ लिवर डिकम्पेंसेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ, ठीक है ना। देखें सबसे पहले जो बात है ना, वो पहले तो ये देखें कि इसमें लिवर डिकम्पेंसेशन यानी CLD का पेशेंट है, क्रॉनिक जो लिवर डिजीज़ का पेशेंट है ये, ठीक है ना। दूसरी बात याद रखें, एनेस्थेटिक देना है और प्री ऑपरेटिव देना है, प्री मेडिकेशन है यानी कि, ठीक है ना। तो इससे हम क्या क्या देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जो CLD में ना, CLD में वो कोई कोई चीज़ कंट्रा इंडिकेटेड है ना, कंट्रा इंडिकेटेड है ना, वो है हेलोथेन, ठीक है ना। CLD में आप इसको नहीं देंगे, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेफ़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉशंस हैं, कॉशन के साथ हम दे सकते हैं, कॉशन के साथ हम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो प्री ऑपरेटिवली जो सेफ़ है ना, प्री ऑपरेटिवली वो तो आप याद रखें ना कि सेफ जो है प्री ऑपरेटिवली इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़, वो है प्री मेडिकेशन बोलो या प्री ऑपरेटिव बोलो, वो है लोराजेपाम, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपने खा मखा याद करना है इसको, ठीक है, ठीक है। बाकी जो MCQ में हमारे यूज़ किया गया है, डायजीपाम यूज़ किया गया है, और क्या यूज़ किया, फेंटेनिल है, और इसके अलावा लिडोकेन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ये कॉशन के साथ यूज़ करने वाली हैं, ठीक है ना, विद कॉशन, ठीक है। सिर्फ जो लोराजेपाम है वो सेफ है फॉर प्री मेडिकेशन, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे कि जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के में, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में एनल्जेजिक कौन सा यूज़ करेंगे, एनल्जेजिक, तो आप कहेंगे पैरास्टामोल, ठीक है ना, पैरास्टामोल एनर्जेजिक ऑफ चॉइस है ये, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह अगर पूछे कि CLD में इंडक्शन ऑफ एनेस्थीजिया के लिए क्या यूज़ करेंगे, इंडक्शन के लिए, तो आपने क्या यूज़ करना है, ये, ठीक है ना, पैट, पैट मतलब प्रोपोफोल, ठीक है, प्रोपोफोल, एटोमिडेट और थायोपेंटाल, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सेफ है, ठीक है ना, ये सेफ है, ये पैट पैट इज़ सेफ, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये सेफ है, ठीक है। इसी तरह मेंटेनेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीजिया इन CLD पेशेंट, अगेन, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है, आपने ये निमोनिक बनाया था देसी, याद है, देसी में से आपने क्या करना है, इनफ्लुरेन को ऐसे करके आगे लाना है, इनफ्लुरेन, इनफ्लुरेन, दिस इज़ विथ कॉशन, ठीक है। इसको आप कॉशन, विथ कॉशन यूज़ करेंगे, लेकिन जो डेसफ्लुरेन है, सीवोफ्लुरेन है और आइसोफ्लुरेन है, ये सारे सेफ हैं, ठीक है ना, ये तीनों सेफ, और ये सेफ, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो मसल रिलैक्सेंट है इन CLD पेशेंट, तो एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम, ठीक है, ये दोनों सेफ हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो है, मैं आपको सेफ बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है वो विद कॉशन है, ठीक है। इसी तरह जो ओपियोइड्स, अगर आप पूछे ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स अगर पूछे CLD के पेशेंट में, तो इसमें जो सेफ है ना, इसमें ओपियोइड्स में जो सेफ है, हमारे पास रेमी फेंटानिल है, ठीक है ना, रेमी फेंटानिल। लेकिन जो कॉशन के साथ यूज़ करने वाली है, उनमें हमारे पास है फेंटानिल है, और ओपियोइड्स में हमारे पास मॉर्फिन है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जो पैथिडीन है, ठीक है, पैथिडीन, ये सारी की सारी विद कॉशन हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सेफ़ नहीं है। ये जो सेफ़ है उसमें रेमिफेंटेनिल है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह फिर एनल्जेजिक्स में आपने, मैंने आपको पहले भी बताया, एनल्जेजिक्स में पैरास्टामोल, ठीक है, सेफ़ है। बाकी जो आइबुप्रोफीन हो गई, और उसके बाद हो गई एनसेड्स जितने भी हैं, ठीक है, दूसरे, और उसके बाद हमारे पास बुपिवाकेन, ठीक है, ये सारे के सारे कॉशन के साथ हम देंगे, या फिर लिडोकेन भी, ठीक है, लिडोकेन, ये भी हम आइबुप्रोफेन को इसी कैटेगरी में ही लाए, ठीक है। फिर बुपिवाकेन और लिडोकेन, ये हम कॉशन के साथ दे सकते हैं, लेकिन सेफ़ नहीं है, सेफ़ हमारे पास पैरास्टामोल है, ठीक है।